नमस्ते दोस्तों, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पिंपल पैचेस या जो एक्ने पैचेस मार्केट में अवेलेबल हैं, ये क्या वाकई में एक्ने को कम करने में इफेक्टिव हैं या फिर ये सिर्फ एक मार्केटिंग प्लॉय है। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर विनीत कुमार, डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट और लेजर स्पेशलिस्ट बीकानेर राजस्थान से। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एक्ने पैचेस का कंपोजिशन क्या होता है। एक्ने पैचेस की इनर लेयर एक्चुअली एक हाइड्रोक्लोराइड ड्रेसिंग से बनी होती है। हाइड्रोक्लोराइड ड्रेसिंग का मतलब है कि इसमें कई तरह के पॉलीमर मौजूद होते हैं, जैसे कि जिलेटिन, पेक्टिन, और ये जो पॉलीमर्स होते हैं ये फ्लूइड को एब्जॉर्ब करते हैं, यानी कि ये हाइग्रोस्कोपिक होते हैं। तो जब आप इन्हें अपने एक्ने के ऊपर लगाते हैं, एक्ने पैचेस को आपके फुंसियों पर लगाते हैं, तो ये उनमें से फ्लूइड को एब्जॉर्ब करते हैं। तो क्या इससे आपके एक्ने ठीक हो जाते हैं, क्या ये वाकई में एक्ने के लिए बेनिफिशियल है? जब आप एक्ने पैचेस अपने एक्ने पर लगाते हैं ओवरनाइट, तो सुबह उठने तक आपके एक्ने का इन्फ्लेमेशन कम हो जाता है, क्योंकि जो भी आपके एक्ने में इन्फ्लेमेटरी फ्लूइड इकट्ठा हुआ है इसे ये पैचेस सोख लेते हैं। तो आपके एक्ने का साइज भी कम हो जाता है, और अगर वो पेनफुल है तो उस एक्ने का पेन भी काफी हद तक रिड्यूस हो जाता है। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि अगर आपको बार बार एक्ने को पिक करने की आदत है, अगर आपकी हैबिट है कि आप बार बार एक्ने को नाखून से खुरच लेते हैं या फिर उसे दबाकर निकालने की कोशिश करते रहते हैं, तो एक्ने पैचेस लगाने से काफी हद तक आपकी ये टेंडेंसी भी काफी हद तक रुक जाती है। तो इससे आपके एक्ने को डबल बेनिफिट मिलता है। एक तो आप उसे खुरच नहीं पाते हैं, तो उससे वहां पर पिगमेंटेशन या स्कारिंग होने का चांस मिनिमाइज हो जाता है, और दूसरा वहां पर इन्फ्लेमेशन मिनिमाइज होता है। लेकिन एक्ने पैचेस को यूज करते समय कुछ चीजों का कॉशन रखना जरूरी है। ये आपके एक्ने को ऑक्लूड करते हैं, यानी कि इसे ऊपर से कवर कर देते हैं। तो कई बार क्या होता है, लोग डॉक्टर की बताई हुई मेडिसिन लगाकर उसके ऊपर से एक्ने पैचेस लगा लेते हैं, ये सोचकर कि ये पैच लगाने से मेडिसिन का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा और एक्ने में और जल्दी इंप्रूवमेंट आएगा, जो मेडिसिन है और ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगी। लेकिन बहुत कॉमनली आपको एक्ने के लिए आपके डॉक्टर सैलिसिलिक एसिड या फिर ट्रेटिनोइन, इस तरह की मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। अगर आप इन मेडिसिन के ऊपर डॉक्टर से बिना पूछे कोई ऑक्लूसिव एजेंट जैसे कि ड्रेसिंग्स लगा लेते हैं, तो उससे आपकी स्किन पर इरिटेशन होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो कभी भी किसी रेटिनॉइड के ऊपर या फिर सैलिसिलिक एसिड के ऊपर इन ड्रेसिंग्स को अप्लाई नहीं करें बिना आपके डॉक्टर से पूछे, क्योंकि उसकी वजह से आपको कुछ साइड इफेक्ट्स का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि ड्राइनेस, रेडनेस या फिर इरिटेशन या स्किन फ्लेकीनेस। चलिए, उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको एक्ने पैचेस के बारे में कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिली होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।